अपने उद्घाटन के बाद पटरियों पर दौड़ पड़ी है नमो भारत ट्रेन। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल एंड चीप। आम जनता जो है वो आराम से ट्रेवल कर सकती है। इसका स्टार्टिंग जो फेयर है 30 रुपीज से स्टार्ट है, तो ये सबसे अच्छी। ऐतिहासिक क्षण है, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है भुज से अहमदाबाद। पहले रैपिड रेल ट्रेन या पहले वंदे मेट्रो ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया और ये पहले स्टेशन पर रुकी है। और देखिए पूरा सजी हुई है ट्रेन, अब चल पड़ी है अहमदाबाद की तरफ। यहाँ देखिए ट्रेन का नामकरण होते ही बैनर बदल गया, नमो भारत ट्रेन यहाँ पर लग गया और ये ट्रेन वंदे भारत के तर्ज पर यहाँ से वहाँ दिखती है। देखिए पूरा फूल माला से सजा हुआ और 107 किलोमीटर की स्पीड से अभी ये भुज से चलते हुए अंजार स्टेशन पर रुकी है। ट्रेन की अगर हम बात करें तो बाहर से बिल्कुल नए वाले वंदे भारत की तरह दिख रही है ये, और इसके भी ऑटोमेटेड डोर्स हैं। और अंदर चलिए, अभी अंदर दिखाते हैं कि कितनी खास ये ट्रेन है और क्या क्या सुविधाएं इसमें, और पहली बार जो लोग चल रहे हैं उसका क्या एक्सपीरियंस है। और देखिए सामने जो स्क्रीन लगा है उस पर 107 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है और अगला स्टेशन अंजार है उसकी सूचना आ रही है। और जो लोग इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं पहली बार, उनसे आपकी बात कराते हैं कि उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा है, कैसी है ट्रेन ये? As usual, I will say कि लाइक ट्रेन काफी अच्छी है, काफी कंफी सीट्स है एंड बहुत इजी ट्रैवल है हमारे लिए एंड काफी चेंजेस कर रही है ट्रेन में, जैसे कि मतलब स्पीड हमें देखने को मिला है स्क्रीन पे कि क्या स्पीड पे चल रही है। यहाँ का वॉशरूम भी बहुत अच्छा है एंड कंपैरेटिवली टू अदर ट्रेन एंड इनका लाइक वही चीज़ है कि मतलब स्पेशल कंपार्टमेंट्स है फॉर द लेडीज एंड फॉर लाइक स्पेशली डिसेबल्ड पीपल, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड वही चीज़ है कि लाइक इजी ट्रैवल एंड लाइक वी कैन रीच ऑन टाइम, डिले नहीं होगा किसी भी चीज का। ट्रेन वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर बना है, इसका इंटीरियर आपको हमने कई बार बताया कि इंटीरियर जो वंदे भारत के जैसा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि मेट्रो ट्रेन की तरह इसमें पकड़ कर खड़े होकर के ऐसे यात्रा कर सकते हैं, उसकी सुविधा है। खासकर ये जो इसके जो गेट हैं इस पर देखिए, हमने दिखाया कि 2 CCTV कैमरा एक इस गेट पर और एक सामने वाले गेट पर भी लगा, और यहाँ जो LED स्क्रीन लगा है इस पर देखिए भुज से ट्रेन अंजार की तरफ जा रही है। एरो बता रहा है कि ट्रेन का पोजिशन अभी दोनों स्टेशन के बीच में है और ये अगला स्टेशन अंजार है, ब्लिंक कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है। गेट वंदे भारत के तर्ज पर ही ऑटोमेटेड गेट है, जब ये स्टेशन में रुकेगी तभी खुलेगा, और बीच में हैंडरेल लगा है, इधर में भी पकड़ के चढ़ने का और बीच में भी पकड़ के चढ़ने की व्यवस्था है। और क्योंकि सामान्य ट्रेन की तरह ही इसमें टिकट कटा करके आप यात्रा कर सकते हैं, अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो ऐसे में आप खड़े होकर के यात्रा करें, उसकी सुविधा इस पर भरपूर बनाई गई है। बाकी एक स्क्रीन इधर में लगा है, इसमें गुजराती में लिखा आ रहा है, अभी इसमें इंग्लिश और हिंदी में भी इस पर जो डिस्प्ले आता है उसमें लिखा आता है अगला स्टेशन अंजार है और नेक्स्ट स्टेशन 13 किलोमीटर दूर है। और सामने एक स्क्रीन है, इसमें देखिए 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, उसकी सूचना दी गई है। सबसे अच्छी बात इस ट्रेन में एक टॉक बैक लगा है, जहां पुश टू टॉक बटन है, यहां से सीधा दबाएंगे तो ड्राइवर और गार्ड से आपके यहां से कनेक्टिविटी हो जाएगी और आप अपनी अपनी समस्या उन्हें बता पाएंगे कि आप क्यों ट्रेन में किस तरह की दिक्कत अगर हो रही है तो उसके लिए कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ चार्जिंग सॉकेट है जिसमें USB-C केबल की तरह या USB केबल के थ्रू जो अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और चार्ज में लगे मोबाइल को इस पर होल्डर पर रख भी सकते हैं, उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। इसके अलावा यहाँ जाइए तो ये टॉयलेट बना है और टॉयलेट बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर, लेकिन इसमें अलग क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये फ्लश जो है ठीक एरोप्लेन की तर्ज पर इसमें फ्लश सिस्टम है। इसके बाद देखिए इधर में बड़ा सा एक जो है मिरर लगा है और ये वाला जो है ये टैब है जहाँ से पानी आएगा और हाथ धो पाएंगे। इसमें देखिए पहली बार हैंड ड्रायर लगाया गया, पहली बार किसी ट्रेन में देखेंगे जिसमें हैंड ड्रायर है जहाँ हाथ सुखा सकते हैं, इसकी व्यवस्था है। इसके साथ साथ पहली बार किसी ट्रेन में एयर फ्रेशनर उसके टॉयलेट में लगा है। इलाके कहें तो वंदे भारत ट्रेन का जो टॉयलेट देखते तो उससे कुछ एडवांस टॉयलेट इसमें बना है। इससे आगे जाइए पूरा ट्रेन यहाँ से वहाँ खचाखच भरा हुआ और लोग जो पहले दिन का एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट। बात कराते हैं आपको लोगों से, कैसी ट्रेन है ये? बहुत अच्छी है। 10 बस जा रही है भुज से अहमदाबाद के लिए तो वो 1000 रुपया चार्ज करती है, इसकी जगह ये 500 रुपये में और 500 आना और 500 जाना 1000 रुपये में वापस आ जाते हैं। और सुबह गए, दोपहर को काम बताया, शाम को काम निपटा के शाम को 5:30 बजे वापस आ सकते हैं, एक दिन का जिसको काम है उसके लिए तो बहुत बढ़िया ट्रेन है। और AC है, बाथरूम की सुविधा अच्छी है, टॉयलेट अच्छे हैं, सीट वगैरह अच्छी है,
पूरी कंफर्टेबल है, लेडीज के लिए भी अच्छी है। ये बता रहे कैसी ट्रेन है? बहुत बढ़िया ट्रेन है और जल्दी से हमें अहमदाबाद पहुंचा देगी। और हमारे कच्छ के लिए बहुत गौरवशाली बाबत है कि कच्छ के लिए इतनी बड़ी हमें सहूलियत मिली है। हमें वड़ाप्रधान मोदी जी ने इतनी सारी भेंट दी है, बहुत अच्छा बढ़िया है। तो चलिए, मोदी जी ने ऐसी भेंट दी है उसको लेकर के लोगों में खुशी है। आगे आइए, युवाओं से आपकी बात कराएं, ट्रेन कैसी है और आपके हिसाब से कैसी ट्रेन है और क्या सुविधाएं हैं युवाओं के लिए, खासकर युवाओं के दृष्टिकोण से अगर देखें। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग डेली बेसिस पे, जो बहुत सारे लोग जॉब के लिए आते जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ से कच्छ से निकल के बाहर पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी एक सुविधा है कि वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और जो टाइम है वो टाइम बहुत उनका बच जाएगा, जैसे वो प्राइवेट बसेस में और वैसे आते हैं तो 8-9 घंटे लग जाते हैं, और टिकट्स की भी बात की जाए तो ऑलमोस्ट इससे डबल होती है। तो उस हिसाब से भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर जो लोग वन डे ट्रैवल करना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि वो लोग एक ही दिन में ट्रैवल करके वापस भी आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रेन में 30 रुपये से किराया शुरू हो जाता है अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करेंगे तो। और ये टाइम सेट किया है वो भी बढ़िया है कि सुबह हम निकल रहे हैं, शाम को काम खत्म करके रात को वापस घर पे आ जाते हैं, बहुत बढ़िया सेटअप किया है। तो समझिए, पैसे और समय दोनों की बचत होगी, सस्ती भी है। क्या सर, सस्ती है? सस्ती भी है और बढ़िया भी है। और अहमदाबाद में कुछ भी व्यापारी काम काज होता है तो दिन भर में हो जाता है, शाम को रिटर्न हो जाता है, रात को घर पे पहुंच जाता है, सुबह निकले रात को घर वापस पहुंच सकता है। उसका काम काज पूरी बच्चे हैं जो आज पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और इसका एक्सपीरियंस जाने, कैसी लगी ट्रेन आप लोगों को? बहुत अच्छी लगी। क्या इस ट्रेन में आपके हिसाब से सबसे अच्छा क्या है? इस ट्रेन में इसका फेयर भी काफ़ी कम है और एसी ट्रेन है, और इस रूट पे ट्रैवल करने वाले सभी लोगों को काफ़ी लाभ होगा इससे। मतलब जिसको भी उससे अहमदाबाद जाना हो तो इसका ट्रैवलिंग टाइम भी कम हो चुका है इससे लोगों का, तो मतलब लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। आपके हिसाब से अगर आप ट्रेन बनाएंगे आगे तो उसमें क्या बदलाव करेंगे? मेरे हिसाब से अगर मैं ट्रेन बनाऊंगा तो सबसे पहले तो ये रहेगा कि स्पीड जो है वो अच्छी रहेगी, सेफ्टी लोगों की और ज़्यादा अच्छी उसके लिए करेंगे। तो चलिए, सुविधाएं और सेफ्टी को लेकर के बच्चे काम करेंगे अगर आगे इनको ट्रेन बनाने का मौका मिलेगा तो। इससे आगे अगर कैमरा इधर में घूम जाए, इधर में भी स्कूली बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं और पहले दिन की यात्रा पर जो बच्चे हैं और जो लोग हैं बड़ी खुश हैं कि गुजरात के लोगों को पहले बंदे मेट्रो या कहिए पहले रैपिड रेल की सौगात मिली है। कैसी ट्रेन है ये? बिल्कुल, आज बिल्कुल एक गौरवशाली क्षण है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है भुज से अहमदाबाद। बिल्कुल, ये ट्रेन जो है हर मायनों में एक वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटी, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मुहैया कराता है हमारे अनरिजर्व इंटरसिटी रेगुलर जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग पैसेंजर्स हैं उनके लिए। और इससे पहले इस तरह की फैसिलिटी हमारे जो अनरिजर्व पैसेंजर हैं उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इंटायर पूरा जो ट्रेन है हमारा वो फुली एयर कंडीशन है, मल्टीपल पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटी इसमें इंश्योर किए गए हैं, चाहे वो दरवाजे के जो खुले चौड़े दरवाजे हों, स्लाइडिंग डोर्स हों, हैंड रेल हों, अगर आप खड़े होकर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ऊपर हाथ ये पकड़ने के लिए मल्टीपल हैंड होल्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। हमारे जो सीट हैं वो कुशन सीट हैं तो कंफर्टेबली आप ट्रैवल कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, इमरजेंसी में अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम दिया गया है जिससे आप गार्ड से बात करके उनको बता सकते हैं कि क्या इमरजेंसी है। अगर कहीं कुछ कारणवश आपको ट्रेन रुकनी पड़ रही है तो इमरजेंसी बटन दिए गए हैं कभी गाड़ी को खड़ी करने के लिए। यात्री के हित को ध्यान में रखते हुए हर कोच में 2 टॉयलेट फैसिलिटी इंश्योर किए गए हैं। आग से ट्रेन को सुरक्षित रखने के लिए मल्टीपल लोकेशन पर स्मोक डिटेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ट्रेन के कोच के अंदर और टॉयलेट के अंदर जो है फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं। और भी ऐसे मल्टीपल फीचर्स हैं इस ट्रेन में जो टोटली इसको एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस बनाता है। सेफ्टी की बड़ी बात होती है ट्रेन में, आजकल लोग इस पर बड़ी चर्चा कर रहे हैं, इस ट्रेन को बाकी ट्रेनों से सेफ्टी के मामले में कैसे अलग देखते हैं आप? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि पैसेंजर के सेफ्टी को जो प्रायोरिटी पे रखते हुए ही इनमें मल्टीपल फीचर्स दिए गए हैं।
तो आप जैसे जैसे ही ट्रेन के अंदर आप चढ़ेंगे ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर जो है वो बंद हो जाते हैं, तो इससे एक बहुत हाई लेवल ऑफ सेफ्टी आ जाती है। अंदर कुछ इमरजेंसी होता है तो आप टॉक बैक इमरजेंसी टॉक बैक बटन यूज़ करके आप जो है गार्ड को बता सकते हैं और फिर उस हिसाब से जो है एक्शन लिया जा सकता है। अगर आग किसी भी कारण से यहाँ पे आग लगने का चांस हो तो उसको मिनिमाइज़ करता है जो हमारा स्मोक डिटेक्टर्स है। हर डब्बे में जो है मल्टीपल लोकेशंस के स्मोक डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, मल्टीपल फीचर्स इसमें इनबिल्ट। तो जितना ये सुविधाजनक ये ट्रेन है उतना ही जो है सुरक्षित भी है। ऐसे में कम पैसे में अगर एक शहर से दूसरे शहर के बीच में यात्रा कराना हो उसके लिए ये क्रांतिकारी कदम होगा इस तरह के ट्रेन को लाने के लिए। और हम चाहते हैं कि इस तरह के ट्रेन छोटे शहरों में और चलाया जाए और लोगों के बीच इस तरह की सुविधा को पहुंचाया जाए। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है और आप और कोई जानकारी चाहते तो हमें कमेंट करके बताइए। बाकी इस तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए वेबपुरी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।